अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ गैस प्रॉब्लम इन स्टोमक नेचुरली, यानी कि आप किस तरह कुदरती तरीके से अपने पेट में गैस के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। पेट में हवा भरने के अमल को अफारा गैस बनना या हवा जमा होना कहते हैं। अफारा, मैदे और आंतों में तकलीफ पैदा होना आजकल के दौर में एक आम मर्ज है। बहुत से लोग इसे मामूली बीमारी गिनते हैं, लेकिन बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी जिंदगी के मियार को मुतासिर करती है। पेट के मसाइल भी इंसान को बेचैनी का शिकार कर देते हैं। पेट में गैस बनने की बीमारी की वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जिसकी बहुत से वजूहत हो सकती हैं, जिनमें दिल के मराइज, उम्र के साथ मैदे और जिगर का कमजोर हो जाना, गजा का बेतदाली के साथ इस्तेमाल, बहुत ज्यादा खाने की आदत, सैर या वर्जिश का ना करना, जिस्म में तजाबियत की ज्यादती, खाना खाने के बाद लेट जाना या फिर सो जाने की आदत, बादी उम्रगन गजाओं का इस्तेमाल शामिल है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ चंद ऐसी बातें शेयर करेंगे जिन पर अमल करके अपने पेट में गैस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप पेट में गैस के मसले की वजह से परेशान हो तो अपने रूटीन में 20 मिनट तक पैदल चलना मामूल बना लें, क्योंकि रोजाना तेज तेज कदम से पैदल चलना आपको पेट की गैस के मसले से निजात हासिल करने के लिए इंतहाई मुफीद अमल साबित होता है। इसके अलावा ये अमल आपके वजन में कमी और सेहत को बेहतरी की तरफ गामजन करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर लाइफ, जिसका मतलब ये है कि पैदल चलना लंबी उम्र के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। तो अगर आप रोजाना तेज कदम पैदल चलने को आदत बना लेते हैं तो इससे न सिर्फ आप पेट में गैस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी के हसूल का भी बेहतरीन जरिया है। अक्सर लोगों को आदत होती है कि खाना तेज तेज खाते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह मालूम ना हो कि ये आदत पेट में गैस बनने की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना खाना चाहिए, ताकि आपके मैदे को खाना हजम करने में ज्यादा मुश्किल का सामना न हो। अगर आप खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाते हैं तो इससे पेट में गैस बनने का अमल भी कम हो जाता है और मैदा आसानी से खाना हजम कर लेता है। इसी तरह अक्सर लोगों को गर्म और मसालेदार खानों की आदत होती है, तो ये आदत भी आपके पेट में गैस बनने के मसले के लिए एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि गर्म खाना आपके पेट में जाकर गैस बनने का सबब बनता है और मसालेदार गजाएं मैदे को कमजोर करने का बास बनती हैं। तो इसलिए अगर आप मसालेदार गजाओं का इस्तेमाल कम करें और खाना ज्यादा गर्म ना खाएं तो आप गैस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। पेट की गैस से निजात हासिल करने का एक और तरीका ये है कि एक खाने का चम्मच इसबगोल का छिलका लें और इसमें 6 चम्मच पानी के मिला दें, इन्हें रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह इसमें आधा कप दूध और 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इस मशरूम का इस्तेमाल भी आपको पेट में गैस बनने के मसले से निजात हासिल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। पेट में गैस के मसले से निजात हासिल करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल बहुत ही अहम है। सौंफ को तवे पर भूनकर एक एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर लें और फिर इसके बाद सुबह दोपहर और शाम हर खाने के बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करें। ये अमल भी आपको पेट में गैस के मसले से निजात के लिए बहुत ही मुआवन साबित होता है। जब कभी भी आपको पेट में गैस के दर्द का मसला हो, इलायची को पीसकर इसका सफूफ बना लें और इस सफूफ को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पी लें। पेट में गैस के दर्द से बहुत जल्द निजात हासिल करने के लिए बहुत ही मौसर टोटका है। इसके अलावा पेट में गैस के मसले से निजात हासिल करने के लिए तली हुई चीजों से इज्तनाब करना बहुत ही मुआवन साबित होता है, और खाने के बाद थोड़ी देर चहलकदमी करना भी पेट में गैस के मसले से दूर रखता है। उबले हुए पानी में अदरक की जड़ों को अच्छी तरह धोकर पानी में डाल दें और पानी मजीद उबालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा शहद शामिल करके इस मशरूब को इस्तेमाल करना भी पेट में गैस के मसले से निजात हासिल करने के लिए बहुत ही मुआवन साबित होता है। तो इस तरह आप इन बातों पर अमल करके पेट में गैस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मजीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलते रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।